जब भी हम इंडियन स्पिट्स ब्रीड का डॉग लाते हैं अपने घर में, तो हम हमेशा दो चीज़ के बारे में सोचते हैं। एक तो ये कि ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा दिन तक जिए, और दूसरा ये कि ये सबका प्यारा बन के रहे। लेकिन दोस्तों, यही दो चीज़ इस ब्रीड के साथ नहीं होता है, और बाद में हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मन करता है कि ज़िंदगी में ये नस्ल का डॉग मैं कभी नहीं लाऊँगा। चलिए मैं आपको बतला रहा हूँ दोस्तों, इस ब्रीड में क्या होता है कि ये ब्रीड को अगर कोई भी बीमारी होगा तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा, बिना कुछ बताए, बिना कुछ किए। अगर आप इसका ट्रीटमेंट भी करोगे तो बहुत जल्दी मर जाता है बचपन में, तो ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। मैं आपको डिटेल करके बताऊंगा कि क्या ये सच है या फिर सच नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग आधा अधूरा ज्ञान रखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। दूसरा दिक्कत जो मैंने आपको बतलाया कि ये बच्चों को बड़ों को काटता बहुत बुरी तरीके से है, मतलब कि ये कटाह बन जाता है और साथ ही साथ इसका आदत भी खराब हो जाता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में प्रॉब्लम के बारे में जानिए और फिर डिसाइड करिए कि आपको ये ब्रीड लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि ये ब्रीड बहुत जल्दी मर जाता है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है। कि क्या आप लोगों ने कभी ये ब्रीड खरीदा है, या फिर आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार ने ये डॉग खरीदा है, और क्या वो डॉग बहुत जल्दी मर गया है? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं उसके बारे में कहानी, ताकि मुझे अंदाज़ा मिले। दोस्तों, इस घटना के पीछे मैं आपको कारण बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कारण बताऊँगा कि क्या ये डॉग सच में कटाह बन जाता है, एग्रेसिव बन जाता है। दोस्तों, ये जो ब्रीड होता है ना, बचपन में काफ़ी ज़्यादा नाजुक होता है, और हम लोगों को पता नहीं होता है कि कितने महीने में हमें लाना चाहिए। ये स्मॉल ब्रीड का डॉग है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि 30 दिन 35 दिन में ये डॉग ले आते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि अगर हमें रखने के बारे में नहीं पता है तो हम इसे कुछ गलत खाना खिला देते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वजह से ये बीमार पड़ता है, और नाजुक होने की वजह से ये बच नहीं पाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ब्रीड ही ख़राब है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ब्रीड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत ही कम ऐसा इंडियन स्पिट्स देखा है जो बड़ा हो गया हो और तब बीमार पड़े। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये ब्रीड अगर आपके पास है और बड़ा हो गया है तो ये जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा और बहुत हेल्दी रहेगा, तो वो चीज़ कहना बहुत गलत है। तो अगर आपको एक हेल्दी ब्रीड का डॉग चाहिए तो इंडियन स्पिट्स ले सकते हो, और ये बहुत सस्ता भी मिल जाता है। अब मैं आपको दूसरा चीज़ बता रहा हूँ दोस्त, हमारे वीडियो का ये जानकारी देख करके आपको कैसा लग रहा है, एक लाइक ज़रूर कर दे, हमारा एम है 1000 लाइक का। दोस्तों, दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोग बोलते हैं वो ये कि ये जो ब्रीड है वो काटता बहुत है, हो या बड़े आदमी को भी हो, ये काटता बहुत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये छोटा ब्रीड है उसके वजह से घर के छोटे बच्चे हैं, या फिर बड़ा आदमी है, या फिर घर के पड़ोसी हैं, या फिर आपके घर के आसपास के पड़ोसी हैं, छोटा ब्रीड समझने के वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, इसको इधर उधर घुमाते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि ये ब्रीड बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और अपने बचाव में काट लेता है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्रीड ही, ये नस्ल ही ख़राब है। दोस्तों, अगर आप लोग इसको बचपन से अच्छे से रखोगे, किसी को परेशान करने नहीं दोगे, बाल खींचने नहीं दोगे, पूँछ और कान खींचने नहीं दोगे, तो ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यारा रहेगा और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों ने कभी ऐसा इंडियन स्पिट्स देखा है जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो और बहुत ही ज़्यादा आपके साथ खेल कूद रहा हो, या फिर आपने कभी ऐसा डॉग देखा है जो आपको बहुत ज़्यादा काटा हो, दौरा दौरा करके काटा हो। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अगर आप लोग मेरा राय पूछो तो इंडियन स्पिट्स ब्रीड का डॉग आप लोग ले सकते हो, अगर आप लोगों ने डिसीजन बना लिया है तो। ये ब्रीड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप लोग बिहार से हो, दिल्ली से हो, या झारखंड से हो, तो हमारे पास इंडियन स्पिट्स का बहुत ही अच्छा अच्छा स्टॉक मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, उस पर आप लोग कॉल बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि कॉल लगेगा नहीं, केवल और केवल व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा, फोटो भेजूंगा, पसंद आता है तो फिर आपको डॉग घर तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप भी एक डॉग लवर हो, डॉग के बारे में कैसे रखना है सब कुछ जानकारी चाहिए, तो इस पॉम टॉय अनुराग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।